प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के समर्थन में जनसभा में जमकर भीड़ उमड़ी। सभा के दौरान कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। मेरा प्रयास था जो 15 साल बाद मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास रखा था, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कैसा प्रदेश हमें सौंपा, एक ऐसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में देश भर में नंबर वन, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर वन, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां भ्रष्टाचार में नंबर वन। ये शिवराज सिंह जी की देन थी, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई थी। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर वन। मामा जी, ये प्रदेश आपने दिया था, आप मामा बनते थे, ऐसा प्रदेश सौंपा। बड़ी चिंता थी मुझे, आज हमारा किसान, आज हमारा भटकता हुआ नौजवान, ये हमारे सामने चुनौती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।